बहुत अच्छा, बढ़िया, आराम किया क्यों बस। घुमाया नहीं? नहीं, घुमाना क्या, सैटरडे को काम किया था, एक ही दिन आराम करने मिला, वो कर अरे नहीं नहीं लिया। घुमाना था ना वो लंदन से आए हुए सब दोस्तों को। नहीं वो तो चले गए ना, यस वो चले गए, वो चले गए। ओके गावा सर, आज का प्रेफर्ड पिक? अच्छा, आज का जो प्रेफर्ड पिक है बहुत ही बीटन डाउन स्टॉक है और बॉटम सब अप्रोच है। स्टॉक का नाम है नवीन फ्लोरिन। काफी गिरावट हुई है, फ्रॉम 4,000 to 3,000 के आसपास गिरावट हुई है, लेकिन इतना स्ट्रेच हो गया है यहाँ पर, तो एक अनस्ट्रेचिंग की जरूरत है। प्लेइंग अ बाउंस ट्रेड करा है 3,067 पर, स्टॉप होगा 3,050, 17 रुपए का स्टॉप है। टारगेट रहेंगे 3,150। मेरे ख्याल से ये बाउंस प्ले होना चाहिए, सेटअप इतना स्ट्रेच है कि अनस्ट्रेचिंग होनी चाहिए। एग्रेसिव कॉल, बहुत ही एग्रेसिव कॉल, नवीन फ्लोरिन बाय। ओके अग्रेसिव कॉल गाबा सर की। नवीन फ्लोरीन एक स्टॉक जो अपनी बेयर मार्केट में है, लेकिन गाबा सर को लग रहा है कि अब बहुत ज़्यादा डाउन साइड पर स्ट्रेच हो चुका है, तो शायद एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ 3,050 के, एक बड़े टारगेट 3,150 तक के, इसके लिए आप ट्रेड करिए। तो ये हो गई गाबा सर की पिक। सचिन गुड मॉर्निंग। सचिन आप क्या पिक कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी। गुड मॉर्निंग सर। मैंने एचयूएल को चूज किया है। लगातार काफी समय से इसमें एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस नजर आ रही थी, बट पिछले हफ्ते में जिस तरीके से एक बुलिश हरामी फॉर्मेशन का वीकली चार्ट पे इसने कंफर्मेशन दिया है, प्लस अगर हम इसके शॉर्ट टर्म एवरेजेस को देखें तो काफी समय के बाद एक पॉजिटिव क्रॉसओवर इसके 5 and 20 में एग्जिबिट हुआ है, एंड आरएसआई ने भी डेली पे 50 के ऊपर की एक चाल बनाई है। तो मुझे लग रहा है एक अच्छा कंसोलिडेशन पिछले हफ्ते में कंप्लीट हुआ है, एंड स्टॉक मुझे लग रहा है इवेंचुअली अपने 200 डे एक्सपीरियंस मीन एवरेज के आसपास ट्रेंड होना चाहिए इन दिस पर्टिकुलर सीरीज इटसेल्फ, जो प्लेस्ड है लगभग अराउंड 2,540 के आसपास। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है एचयूएल के फ्यूचर में। ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस आपको 2,410 के आसपास लगाना है, एंड मुझे लग रहा है 1 से 2 दिनों में 2,460 के आसपास का एक स्विंग बन सकता है। पोजिशनल टारगेट मुझे लग रहा है 2,510 का, 2,530 का यहाँ पर इंटैक्ट होगा फॉर दिस पर्टिकुलर सीरीज। तो खरीदारी करनी है एचयूएल, एंड मुझे लग रहा है एक अच्छा टर्न अराउंड इस पर्टिकुलर स्टॉक में एग्जिबिट होना चाहिए इस पर्टिकुलर सीरीज में सर। बिल्कुल ठीक, सचिन ने HUL चुना है। मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते गाबा सर ने भी फ्लैग ऑफ करा था कि शायद अब इसकी दिक्कत वाले दिन खत्म होने की कगार पे है। बुलिश हरामी पैटर्न, बेसिकली बियरिश ट्रेंड से अब रिवर्सल की तैयारी शुरू हो रही है। 2410 का स्टॉप है, 2,530 तक के इवेंचुअल टारगेट्स। मानस गुड मॉर्निंग, आज का प्रेफर्ड पिक साहब? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अरुण जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए आज के लिए आई थिंक आईएक्स पे ध्यान देना चाहिए। आईएक्स में लास्ट सेशन में जो छोटा सा सैटरडे का सेशन था वहां पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, बेहतर वॉल्यूम्स का। बहुत छोटा सेशन था लेकिन वॉल्यूम्स काफी बेहतर देखने को मिले हैं। तो आईएक्स में खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस 148.60, 148.60 रुपए के स्टॉप लॉस लगाने हैं और 157.50 रुपए, 157.50 के आपको स्टॉप के टारगेट आपको सेट करने हैं आईएक्स में। अब ये कैश लेवल्स है, अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना हो तो 155 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 7.20 रुपए की क्लोजिंग थी, 5.30 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 11.50 रुपए के टारगेट सेट करने हैं आईएक्स के कॉल ऑप्शन में, 155 वाले। ओके आईएक्स, ये हो गई मानस के पिक। आशीष भगती जी गुड मॉर्निंग, आपके पिक? गुड मॉर्निंग अनिल सर, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनिल जी आज की मेरी टॉपिक रहेगी गोदरेज प्रॉपर्टीज में खरीदारी की सलाह रहेगी। चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ है इसमें, और जिस हिसाब से फ्राइडे का सेशन था वो काफी इंप्रेसिव था। एक अच्छा पुल बैक और लॉन्ग बिल्डअप इसमें देखने मिल रहा है। सेक्टर ट्रीटमेंट भी स्ट्रॉन्ग है और न्यूज फ्लो भी पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। 2,400 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह है, 2,490 के फर्स्ट टारगेट एंड 2,520 के सेकंड टारगेट के लिए। एक्चुअली खबरों में है, हफ्ता जुड़ेंगी तो आज रियल एस्टेट में कई सारी खबरें हैं, उनमें से एक इंटरेस्टिंग खबर गोदरेज प्रॉपर्टीज रिलेटेड, पर टेक्निकली साउंड लगता है इस समय काउंटर खरीदारी करने का बहेती साहब का मान। सतपुते साहब गुड मॉर्निंग, आज का टॉप कॉल सतपुते साहब? आशीष जी अनुज जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए नजर जो है वो मेरी है बैंक्स पे है और मुझे लगता है यहीं पे मेरा फोकस रहेगा एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज। तो इसमें से देखिए इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, बढ़िया पैटर्न्स एंड ब्रेकआउट्स है। एक दिन का पॉज मिला था सैटरडे, तो देखिए आज के लिए अगर मुझे एक चुनना है देन आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो लोअर लेवल से यहाँ पे परसों हमने एक प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा, 20 DMA के ऊपर क्लोज देखा। सो 1439 फ्यूचर में क्लोज है, 1432 का वो ब्रेकआउट था। तो अकॉर्डिंग टू 1432 हमारा स्टॉप लॉस विल बी एट 1420, 1420 या रादर 1415 रखे, थोड़ा सेफ्टी रहेगा।
तो 1415 के स्टॉप लॉस के साथ HDFC बैंक बाय करे, बाय एंड डिप स्ट्रेटेजी रखे। इसका जो टारगेट है वो रहेगा 1480 से लेके 1490। ओके चलिए, तो ये इस समय राजेश जी के पिक। अब एक फंडा कॉल ले लेते हैं, मयूरेश के पास चलते हैं। मयूरेश जी गुड मॉर्निंग, बताइए क्या है रिडार पर। मॉर्निंग अनुज जी, मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल एज वेल। हमें मार्केट्स विद इंडिया में पॉली मेडिक्योर ये काफी पसंद आ रहा है, एक्शनेबल आइडिया है दिस जंक्चर। दो तीन इंटरेस्टिंग चीजें, एक जो रेवेन्यू ग्रोथ की मैनेजमेंट ने बात की है, दे फील रेवेन्यू ग्रोथ 22-24% ये बैंड में सस्टेनेबल रहेगा फॉर नॉट जस्ट दिस ईयर बट इन द कमिंग ईयर एज वेल। और हमारे खुद के अनुमान में हमें लगता है कि हायर एंड ऑफ द बैंड शायद ये ग्रो हो फॉर 2-3 रीजंस। वन, आई थिंक इनके जो प्लांट्स में इन्होंने केपेक्स किया था पिछले कई तिमाहियों तक, द केपेक्स इज ऑलमोस्ट ओवर, अ कपल ऑफ प्लांट्स विल स्टार्ट ऑपरेटिंग एट रीजनेबल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल्स। और तीसरा जो प्लांट है और चौथा, वो शायद बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक एडिशनल एक्सेलरेटेड वॉल्यूम ग्रोथ शायद ये प्लांट से आएंगी। दूसरा, आई थिंक जो नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, 8-10 नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कार्डियोलॉजी में, रीनल सेगमेंट में, एंड दे आर टारगेटिंग द यूएस मार्केट एज वेल, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी काफी ह्यूमंगस है। तो अगर ये अपॉर्चुनिटी को ये मोनिटाइज कर पाते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर एक्सपेक्टेशंस, अगले कुछ तिमाहियों के जो नंबर्स आएंगे वो काफी शानदार हो सकते हैं। हैविंग सेड दैट, टॉप लाइन ग्रोथ के साथ साथ जो मार्जिन एक्सपेंशन है, 26% पे जो मार्जिन इन्होंने पोस्ट की थी, शायद मैनेजमेंट का ये एक अनुमान है कि ये मार्जिन्स मेंटेन कर पाए। तो एक क्लियर ऑपरेटिंग लेवरेज बैलेंस शीट पे प्ले आउट होगा विद टॉप लाइन इंक्रीजिंग, मार्जिन्स रिमेनिंग एट 26-27% जो बॉटम लाइन को सहारा देगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बैलेंस शीट डायनेमिक्स बहुत ज्यादा डेट बुक्स पे है नहीं, एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ रिटर्न रेशियोज ये ठीक ठाक रहने चाहिए। एंड जहां तक आई थिंक प्रोडक्ट्स का सवाल रहा है, जैसे मैं कह रहा था, देयर इटालियन सब्सिडियरी इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। नए प्रोडक्ट्स जो आएंगे डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट्स के लिए अच्छी तरह से आई थिंक प्लेस्ड रहेंगे। एंड ऑर्गेनाइज्ड टू अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड का जो एक पहलू है, ये कंपनी के लिए भी आई थिंक अप्रोप्रिएटली प्लेस्ड रहेगा। तो हमें लगता है अर्निंग्स का भी तड़का एक अच्छा रहेगा। पॉलीमेडिकल इज समथिंग दैट वी लाइक, हमें लगता है यहाँ से भी एक 18-20% की अपसाइड बिल्कुल मुमकिन है। वी प्लेस अ स्टॉप लॉस एट 1510-1510। एक क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरे पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, क्लाइंट्स को रिसर्च नोट द्वारा दिया गया है, क्लाइंट्स के पास इसकी होल्डिंग हो सकती है। पॉलीमेडिक्योर, छोड़िए पॉलीमेडिक्योर, ये अंधेरी ईस्ट से अंधेरी वेस्ट, मयूरेश के घर के पास सुना है कमाल का ब्रिज बनाया है मयूरेश और उनकी टीम ने, ये गोखले ब्रिज, मयूरेश गजब कर दिया आप लोगों ने। अरे सर वो एक मीम आई थी, आपने देखा कि नहीं पता नहीं, या आपने जो एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे गोखले जी करके, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मेरे नाम पे आगे ब्रिज मत बनाएंगे। उस मीम, एक मीम आया था अरशद वारसी और सब, कौन सी मूवी थी, सब खड़े हुए हैं और अरशद वारसी कैलकुलेट कर रहे हैं गाड़ी की स्पीड पे लैंड कराएंगे उचका के, धमाल धमाल गजब था वो, तभी इस ब्रिज से उतर पाएंगे। वो पूरा सीन कॉपी था वैसे, एक बहुत शानदार कॉलेज रोमांस पिक्चर आई थी हॉलीवुड में, जो मतलब मेरे ख्याल से एक आइकॉनिक पिक्चर थी। उसके बाद ऑब्वियसली वहाँ पे कई ऐसी फिल्में आई थी, लेकिन वो पूरा का पूरा सीक्वेंस कॉपी था उसमें से, लेकिन हाँ शानदार फिल्म थी, मतलब कॉपी भले ही थी लेकिन फिल्म बहुत शानदार थी। इट इज मैड मैड वर्ल्ड वो थी क्या? नहीं नहीं नहीं, वो कोई और फिल्म थी, मैं डायरेक्टर साहब बोल देता हूं यहां पे। हां गजब है, लेकिन खैर वो नेशनल मीम बन रहे हैं, नेशनली का गजब वो रखा है गोखले ब्रिज को लेकर। लेकिन चलिए वो अपनी जगह, आज के टॉप कॉल्स को रिकैप कर देता हूं। गाबा सर ने नवीन फ्लोरीन चुना है, एग्रेसिव कॉल है कहते हुए, लेकिन बहुत स्ट्रेच्ड है, अनस्ट्रेचिंग की जरूरत है। 3050 का स्टॉप लगाइए, 3150 की कर रहा है ये तैयारी, मतलब बेसिकली 70 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस है, अच्छे टारगेट दे देगा। सचिन ने चुना है HUL, खरीदारी करने का मन, 2410 का स्टॉप है, 2460-2530 तक, शायद वो जो दिन थे अब सुधरने वाले हैं, स्टॉक के पैटर्न्स बदल रहे हैं। मानस ने IEX पे दाव लगाया है, मेरे ख्याल से फ्राइडे के बाद का अपडेट है, फ्राइडे को अपडेट था, कोई फंड्स की बाइंग वाइंग भी शुरू थी। IEX चल रहा है, पसंद आ रहा है मानस को, 148.6 के स्टॉप के साथ 157.5 के टारगेट्स, चाहे तो 155 का IEX का कॉल भी खरीदा जा सकता है। बहती साहब को पसंद आ रहा है रियल एस्टेट में गोदरेज प्रॉपर्टीज, खबरें भी हैं आगे चर्चा में आएगा, 2400 का स्टॉप है, 2490-2520 के लक्ष्य।
सतपुते साहब का रडार पे कह रहे हैं बैंक्स हैं और उसमें भाई ये चल गया तो मजा आएगा। दिग्गज HDFC बैंक 1415 का स्टॉप लगाइए, 1480 1490 तक HDFC बैंक आने वाले समय में जाने की तैयारी कर रहा है। और कुछ पिक एंड चूज करना, टेक्नो फंडम या पोजिशनली वो है पॉलीमेडिक्योर मयूरेश और उनकी टीम की तरफ से खरीदने के यहां पे मौके है।